नई अफीम नीति को लेकर लगातार मालवा मेवाड़ के हजारों अफीम किसान इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र वित्त मंत्रालय से कब अफीम नीति जारी हो। इसे लेकर लगातार किसान बेसब्री से इंतजार में हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि इस आने वाली 2022-23 की अफीम नीति में एक बड़ा बदलाव किया जाए और किसानों को राहत दी जाए, क्योंकि लंबे वक्त से अफीम किसान मालवा मेवाड़ के हजारों अफीम किसान इस इंतजार में है कि उनको एक बार फिर चीरा लगाने की अनुमति दी जाए, CPS पद्धति समाप्त की जाए और जो अफीम के भाव है उसे बढ़ाया जाए। साथ ही जो और भी कई मुद्दे हैं, जिस तरीके से किसानों को जो परेशानी आती है उनको लेकर जो है अफीम नीति में राहत दी जाए। तो इसी मामले को लेकर लगातार दिल्ली में अफीम किसान मांगीलाल बिलोट के साथ हजारों किसान जंतर मंतर पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जो है अपनी बात वित्त मंत्री के सामने रखी और एक ज्ञापन भी वहाँ पर सौंपा। उनकी एक लड़ाई लंबे वक्त से चली आ रही है, जो उसमें वे चाहते हैं कि 98 और 7 से जो पट्टे हैं उन्हें भी बहाल किया जाए और किसानों की जो मांगे हैं कि CPS पद्धति को समाप्त किया जाए। दूसरी तरफ अफीम फैक्ट्री में जो है बदलाव किया जाए, अफीम किसानों की जो अफीम जमा कराते हैं उस वक्त ही उसको रिजल्ट दिया जाए और वहीं एक भाव बढ़ाने का भी जो है किसानों की एक बड़ी मांग है कि अफीम के भाव भी बढ़ा जाए। वहीं अगर बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अफीम नीति में एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है और किसानों को एक बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अफीम नीति में किस तरह का बदलाव होता है और किस तरह की मांगे जो है अफीम किसानों की मानी जाती है। लेकिन इस वक्त की जो अपडेट है हम आपको बता दें कि अब जो है आने वाले कुछ दिनों में अफीम नीति कभी भी जारी हो सकती है और कभी भी केंद्र वित्त मंत्रालय से एक गजट नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।